थोड़ा हम लोग पीछे हट जाएं। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल पीछे। आप लोगों का यहाँ की जनता का जो प्यार मिला है उसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास करके मैं यहाँ पे दौरा जो मैंने किया है, यहाँ पे लोगों की, मैंने जो कश्मीर का दौरा कर रहा हूँ उसमें मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। नशा नौजवान हमारे जो कर रहे हैं, करीबन 5 से 6 लाख लोग नशा कर रहे हैं। और इन लोगों ने जो मुझे प्यार सम्मान और इज्जत दिया है, मैं उसके लिए इन सबका, कश्मीर वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे कहीं पर भी ज़मीन दी जाए, उसका पैसा मैं सारा देने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, कम से कम 15-20 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिनके घर बार अच्छे से चल पाएंगे, अच्छे से उनकी मतलब जो है घर बार की वो होगी, समस्या दूर होगी। और हमें देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक नेताओं को जो केंद्र के मंत्री बैठे हैं उन्हें यहाँ दौरे के लिए भेजना चाहिए। लोगों की समस्याएं एक हफ्ते में, एक दिन, दो दिन, चार दिन, हर ज़िले में भेजा जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। और ये जो कश्मीर है ना, जो मैंने खास करके देखा है, ये राजनीतिक का शिकार हुआ है हमेशा। जो भी मुख्यमंत्री रहा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ पर मुख्यमंत्री इतने रहे लेकिन कश्मीर की हालत बेहतर नहीं हो पाई, आज भी बेहतर नहीं है, क्योंकि कश्मीर के मुख्यमंत्रियों को इतना फंड मिला लेकिन वो फंड देखा जाए तो इन गरीबों को नहीं मिला। आज गरीब बेरोज़गार है, आज गरीब रोटी को तरस रहा है। हमारी माएँ बहनों को ना तो यहाँ पर पेंशन दी जा रही है, ना हमारी माएँ बहनों को कोई वो दिया जा रहा है।